I'm finally in control of them. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या टेनिस बॉल खेलने से लेदर बॉल का टेक्निक खराब हो जाता है या फिर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपको टेनिस बॉल से खेलना चाहिए अगर आप सीजन बॉल क्रिकेटर हैं तो, या फिर नहीं खेलना चाहिए। तो वॉच इट टिल द एंड, लेट्स रोल द इंट्रो। Hey guys, this is Ankit Narayan, cricket and fitness trainer. Welcome back to our channel, Safal Feature. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सुनने को मुझे मिलता है वो है कि अगर आप लेदर बॉल क्रिकेटर हैं और अगर आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं तो आपका टेक्निक खराब हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी छोटा था तो मैं भी यही सोचता था और मुझे भी यही बोला जाता था कि अगर तुम टेनिस बॉल क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हारा जो बैटिंग का टेक्निक है वो खराब हो जाएगा। आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड टेनिस बॉल क्रिकेट एंड मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच रहा हूँ, बट देन आई वाज रॉन्ग। लुक, आई कैन अंडरस्टैंड कि टेनिस बॉल एंड लेदर बॉल क्रिकेट इज आर टू डिफरेंट गेम, टू डिफरेंट बॉल गेम, और दोनों का जो खेलने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, दोनों का खेलने का अप्रोच डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप सीजन बॉल क्रिकेटर हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर मैं टेनिस बॉल क्रिकेट अवॉइड करूंगा तो मेरा टेक्निक बचा रहेगा एंड अगर मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता हूं तो शायद मेरा टेक्निक खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने से आपका गेम खराब नहीं होता है, आपका गेम खराब होता है जब आप टेनिस बॉल क्रिकेट आड़ा तिरछा खेलते हैं, तब आपका गेम खराब होता है। जब आप बॉल देख के बस आपका अपना बैट घुमा देना चाहते हैं तब आपका टेक्निक खराब होता है, क्योंकि जब आप वापस जब सीजन बॉल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, जब वापस आप नेट्स में खेलने के लिए जाते हैं तो आप वही अप्रोच लेके वहां पर भी जाते हैं एंड यू जस्ट ट्राई टू वैक द बॉल ऑल द टाइम। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। जब आप कोई ग्राउंड में जाते हैं, एक नॉर्मल से ग्राउंड में जाते हैं जहां पे लोग टेनिस बॉल क्रिकेट या फिर विंड बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है लेकिन दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे नो हाउ टू हैंडल मैचेस, दे नो हाउ टू हैंडल प्रेशर, दे नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन इन अ गेम, बी इट बैट्समैन और अ बॉलर, दे एक्चुअली नो हाउ टू हैंडल अ गेम। मतलब ऐसा टाइट मैचेस उनको हमेशा मिलते रहता है। इसीलिए इन माय एकेडमी आल्सो आई पुश माय प्लेयर्स टू प्ले टेनिस बॉल क्रिकेट एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे इनका गेम इंप्रूव करेगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेक्निक इन क्रिकेट, कभी कभी आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है, टेक्निक हमेशा काम नहीं आता है, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा, ये सारा एक्सपीरियंस काम आएगा आपके करंट सिचुएशन पे, आपका जब आपका मैच फंसा रहे वहां पे आपको काम आएगा ये सब। इसीलिए आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ टेकिंग सम टाइम आउट कि आप टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलें सो दैट आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें एंड दैट्स माय थर्ड पॉइंट, एक्सपीरियंस। आप जब लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं यू डोंट गेट लॉट ऑफ मैचेस, बहुत इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत कम मैचेस होते हैं सीजन बॉल क्रिकेट से, और आपको शायद पता होगा कि ग्राउंड भी मिलना बहुत मुश्किल होता है लेदर बॉल क्रिकेट के लिए। अगर कोई एक प्लेयर हर वीक खेलता है तो मैक्सिमम 50 मैचेस, राइट? लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको टेनिस बॉल क्रिकेट से तो यू कैन प्ले एज मेनी मैचेस एज यू वांट। 6-6 ओवर का खेल लेते हैं लोग, 8-8 ओवर का, 10-10 ओवर का खेल लेते हैं लोग, और उनको हमेशा एक नया मैच का एक्सपीरियंस मिलता है और यही एक्सपीरियंस जो है आपको काम आता है आगे के मैचेस में। मेरे कोचेस कहा करते थे कि मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो अगर आप सीजन बॉल क्रिकेटर हैं, आप टेनिस बॉल क्रिकेट थोड़ा मोड़ा खेलते हैं, यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वो एक्सपीरियंस जो है आपको सीजन बॉल क्रिकेट में बहुत काम आता है। आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, आपको बहुत सारे मैचेस का एक्सपीरियंस रहता है, जब आपको आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने को तैयार रहते हैं। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने आप से ये पूछिए कि आपने क्रिकेट क्यों स्टार्ट किया था। आई एम वेरी श्योर कि आपने स्टार्ट किया था क्योंकि यू loved the game, you enjoyed playing cricket, didn't you? So I believe ki more than technique what matters is ki aap enjoy kar rahe hain game ko. Lekin aapko thoda sa bas dhyan ye rakhna hai, tennis ball cricket khel rahe ho to bat flow jo hai leather ball ka aur tennis ball ka bilkul alag hota hai agar aap ball ko hit karna chahte hain to. Agar aap jis hisab se leather ball ka bat flow rehta hai aapke batting karte waqt aur wahi bat flow jab aap leke aayenge tennis ball mein to shayad kaam nahi karega, isliye batsman technique apna change kar lete hain aur wahi cheez wapas jab aap leather ball cricket khelne ke liye nets karne ke liye jate hain to wahi cheez aap implement karne ka करते हैं और वहां पे आपका काम नहीं करता। तो आपको लगता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने से मेरा बैटिंग खराब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टेनिस बॉल में एडजस्ट कर चुके हैं तो आपको लेदर बॉल में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, जब लेदर बॉल में एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको टेनिस बॉल में प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि दोनों बॉल का जो वेट डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है, इससे आपके हाथ पे इंपैक्ट भी जो होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि टेनिस बॉल से आप कैचिंग कर रहे हैं जब, तो बॉल आपके हाथ में बाउंस खा के बाहर चला जाता है। तो हाँ, थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ता है, बट देन यू हैव टू अडैप्ट टू द सिचुएशन ऑफ द गेम, क्योंकि जब वापस आप लेदर बॉल क्रिकेट खेलने लगे तो जो आपके टेनिस बॉल में काम आ रहा था वो लेदर बॉल में काम नहीं आएगा, आपका बैट फ्लो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एक और डिफरेंस जो होता है वो लेदर बॉल में आप जब खेल रहे होते हैं तो
आपको थोड़ा झुक के रहना पड़ता है क्योंकि बॉल जो है यू नो इट कीप्स लो, बॉल आपके वेस्ट के ऊपर आएगा, ये बहुत नॉर्मल चीज होता है टेनिस बॉल में, लेकिन लेदर बॉल में वेस्ट पे ऊपर आना बहुत कम होता है, जब आप शॉट बॉल पटका जाता है तभी आता है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा जब लेदर बॉल खेल रहे हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हो तो, बिकॉज मोर देन एनीथिंग व्हाट मैटर्स इज कि आप गेम को एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं अपने एकेडमी में जो प्लेयर्स आते हैं उनको मैं यही सजेस्ट हमेशा करता हूं कि उनका ज्यादा फोकस रहे गेम को एंजॉय करने में, बिकॉज सक्सेस लाइज जस्ट ओवर देयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, बिकॉज लाइक मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक सच कंटेंट्स फॉर यू। आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप उसके साथ शेयर करें जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो और क्रिकेट ड्रिल्स और फिटनेस प्रोग्राम सीखना चाहता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिकेट बेस्ड वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाते रहता हूं। तो इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस चीज पे देखना पसंद करेंगे। ऑल्दो अगले दो वीक का मैं वीडियो प्लान कर चुका हूं बेस्ड ऑन अर्लियर रिक्वेस्ट, लेकिन अगर अभी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है आपका तो यू शुड लेट मी नो, जिस कमेंट का सबसे ज्यादा लाइक होगा आई विल ब्रिंग दैट वीडियो ऑन प्रायोरिटी लिस्ट, सो जस्ट मेक श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ वोट ऑन योर कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज़ आई बिलीव दैट यू माय डियर फ्रेंड आर अ फ्यूचर लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन।